डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था कि बैंक रिकन्सिलेशन क्यों बनाते हैं, हमारे लिए बैंक अकाउंट क्या है, बैंक के लिए हमारा अकाउंट क्या है। ठीक, तो आज उसी लेक्चर को ज़रा हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से कि बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर मज़ीद कुछ और चीज़ें क्या हैं। आइए डिस्कस करते हैं। बहुत छोटी सी एक बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। काइंड्स ऑफ चेक, वैसे तो चेक्स की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन मुख्तसर जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ वो दो तरह के चेक मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक मैंने चेक का स्पेसिमेन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर चेक नंबर होता है, यहाँ पर बैंक का नाम होता है, यहाँ पर ब्रांच का नाम होता है, यहाँ पर बैंक का लोगो होता है। ये मैंने स्माइल बैंक है तो स्माइल का लोगो बनाया है। यहाँ पर पे लिखते हैं, पे में आप जो है वो यहाँ पर कैश लिख सकते हैं, सेल्फ लिख सकते हैं, या जिस शख्स को दे रहे हैं उस शख्स का नाम लिख सकते हैं, जिस कंपनी को दे रहे हैं उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, और बेरर यानी इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रुपीज़, यहाँ पर आप जितने का चेक दे रहे हैं वो आप वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, तो यहाँ पर अमाउंट में लिखा हुआ है 10,000। ये बॉक्स में आप अमाउंट में लिखते हैं यानी फिगर में लिखते हैं, और जबकि यहाँ पर आप जो है वो नंबर्स सॉरी अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। पर यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह होता है, चेक नंबर की डिटेल वगैरह होती है, यहाँ पर आपका अकाउंट नेम प्रिंट होता है जिस नाम पर आपका अकाउंट है, यहाँ पर सिग्नेचर की जगह होती है और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर वगैरह करते हैं। जो कुछ मैंने येलो कलर से लिखा है ये हमें फिल करना होता है, जो कुछ व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आपके चेक पे जो है वो प्रिंटेड होता है। ठीक है, ये जो चेक इस वक्त इस शक्ल में मौजूद है ये कहलाता है आपका बेयरर चेक। अब ये बेयरर चेक क्या होता है? बेयरर चेक से मुराद ये है कि सपोज़ कीजिए कि ये चेक मैंने आपको दिया है कि ये लीजिए भाई, ये आपका 10,000 रुपये का चेक है, आपने कोई काम किया है मेरा, ये उसका 10,000 रुपये का चेक मैंने आपको दे दिया, आपने बोला सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो चेक अपनी जेब में रखा और जाने लगे। पीछे पीछे आपका एक दोस्त भी चल रहा था, आपका बहुत अजीज़ दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, वो भी आपके साथ साथ था, तो आपसे वो चेक जो है वो किसी बहाने से वो गिर गया, मतलब आपने जेब से कुछ निकाला और वो आपका चेक वो गिर गया। आपके दोस्त ने देखा, अरे चेक गिर गया, चलो कोई बात नहीं, उठा लिया। आपके दोस्त ने कहा कि मैं दे दूंगा इसे। आपके दोस्त ने चेक खोल के देखा तो उस पर लिखा हुआ है 10,000, और ये 10,000 रुपये का चेक, और डेट भी आज ही की डली है। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर आज ही की डेट थी, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन शायद मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया 10,000 रुपये का, चलो मैं इसे ले लेता हूँ। आपने देखा ये चेक कौन सा, ये चेक है इस वक्त बेयरर चेक। ठीक, ये चेक लेकर आप फौरन पहुंचे, दोस्त को बोला चलो अल्लाह हाफिज़ मैं तुमसे कल मुलाकात करता हूँ। आपका दोस्त जो है वो पहुंचा कौन से बैंक में? स्माइल बैंक में पहुंचा। ये स्माइल बैंक में पहुंचा, स्माइल बैंक वाले देख के आपको स्माइल करने लगे, मुस्कुराने लगे आपके दोस्त को देखकर। उन्होंने बोला जी सर, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? आपके दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक चेक है जो कि मुझे कैश करवाना है। बैंक वालों ने चेक लिया आपसे, आपके दोस्त से, और चेक देखा तो उस पर ये सारी बातें लिखी हुई थी। इन्होंने देखा डेट भी ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, सिग्नेचर भी ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। उन्होंने आपको जो है वो आपके दोस्त को चेक की पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट कर दी उन्होंने आपके दोस्त को? 10,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से, जो भी क्योंकि ये चेक किसका है? मेरा। मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल कर आपके दोस्त को पेमेंट कर दी गई है 10,000 रुपये। अब आप घर गए और आपने घर जाकर अपने पॉकेट में हाथ डाला कि वो चेक है या नहीं, देखा पता चला वो चेक नहीं है। अब आपने ढूंढा, नहीं मिला, आपने मुझे फ़ोन किया कि सर वो जो आपने दिया था चेक नंबर 1234567 8, ये चेक नंबर इस पर लिखा हुआ था सर, वो चेक जो है वो मुझसे मिस हो गया है, खो गया है, तो क्या वो चेक किसी तरह से रुक सकता है? मैंने बोला अभी सब्र कीजिए। मैंने अपने बैंक में फ़ोन किया स्माइल बैंक में, मैंने बोला भाई एक चेक मैंने इशू किया था 1234567 8, क्या उसकी पेमेंट आपने कर दी है? बैंक वालों ने कहा जी सर, अपने रिकॉर्ड में चेक किया, जी सर हमने उसकी पेमेंट कर दी है 10,000 रुपये। मैंने बोला ओके, क्योंकि इसमें बैंक की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने बोला सॉरी सर, आपको मैंने बोला सॉरी बेटा, वो पेमेंट जो है वो अब हो चुकी है, अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, अब आप उसको बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है बेयरर चेक। बेयरर चेक में नुकसान क्या है कि जिस शख्स के हाथ में ये कैश चेक जाएगा, वो शख्स जो है वो इस चेक को लेकर बैंक में हाजिर हो जाए, बैंक वाला बैंक अकाउंट से उसी वक्त उसको पैसे निकाल कर जो है वो अदा कर देगा। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, अब जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट मंथ जब आप मुझे चेक दें तो बराए मेहरबानी कुछ ऐसा कीजिएगा वो चेक जो है वो थोड़ा सिक्योर हो, क्योंकि मुझसे कभी चेक गिर जाता है। मैंने बोला ठीक है। नेक्स्ट मंथ जब मैंने आपको चेक दिया तो बिल्कुल सेम चेक दिया है, और उस चेक के ऊपर मैंने जो है वो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी इस तरह से, जैसे यहाँ पे स्माइल का मुंह मैंने काट दिया, वैसे मैंने दो पैरेलल लाइंस जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी। आपने बोला सर ये क्या कर दिया? मैंने बोला इस चेक को हम कहते हैं क्रॉस चेक। ठीक है, आपने बोला सर इससे क्या होगा? मैंने बोला इससे होगा ये कि अब जिसके पास ये चेक जाएगा उस बेचारे को कुछ मिलेगा नहीं। आपने बोला सर कैसे? मैंने बोला देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त फिर आपके पीछे पीछे चल रहा था इसी उम्मीद पर कि फिर चेक मिला है, फिर गिरेगा, फिर मैं उठाऊंगा और फिर जाके बैंक में कैश करवा लूंगा।
आपसे फिर चेक गिर गया और आपके दोस्त ने फिर उसे उठाया और फिर जाकर उसने बैंक में प्रेजेंट किया। कौन से बैंक में जाएगा? वो स्माइल बैंक में। स्माइल बैंक वालों ने जैसे ही चेक देखा कि आपने चेक पे जो है वो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी है, उनके मुंह को आपने काट दिया है, स्माइल बैंक वाले स्माइल नहीं करने लगे बल्कि वो गुस्से में आ गए कि आपने हमारा मुंह काट दिया, जाओ हम इस चेक को कैश नहीं करेंगे। ठीक है, यानी क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि अब ये चेक जो है वो बैंक से कैश नहीं हो सकता। तो आपके दोस्त ने पूछा भाई कैश क्यों नहीं हो सकता, तो स्माइल बैंक वालों ने कहा कि भाई अगर चेक के ऊपर दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये चेक जो है वो इस बैंक से कैश नहीं हो सकता, अब आप इसे अपने अकाउंट में ले जाकर पहले डिपॉजिट करवाइए। तो आपका दोस्त जो है वो इसे अब अपने अकाउंट में लेकर जाएगा, नहीं अपने बैंक में लेकर, जहां भी उसका बैंक है किसी दूसरे बैंक में लेकर जाएगा। दूसरे बैंक में जब लेकर जाएगा तो इसे वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, वहां जाकर भी ये कैश नहीं ले सकता बल्कि वहां जाकर भी इसे अपने अकाउंट में क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। अब मेरे बैंक से उसके बैंक अकाउंट में ये 10,000 रुपये क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। इस ट्रांसफर के प्रोसेस में 2 से 3 दिन का अमल लग जाता है आमतौर पर। ठीक है, एक प्रोसेस होता है पूरा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसा ट्रांसफर होता है तो पहले वेरिफिकेशन होती है कि बैंक अकाउंट में पैसा है या नहीं है, पर्सनल जो पर्सन है वो लीगल है या नहीं है, फॉर बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन के बाद जो है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें आमतौर पर 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन का अमल जो है वो लग जाता है। ठीक, अब आपने कहा कि सर मुझसे चेक गिर गया, फिर से चेक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और सर मुझे बताइए कि क्या वो चेक कैश हो गया या नहीं। मैंने बोला चेक तो कैश हो नहीं सकता, उसे कैश होने में 2 से 3 दिन का अमल लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं बैंक को फ़ोन करके वो चेक रिकवा देता हूँ। मैंने बैंक में फ़ोन किया, अपने बैंक में स्माइल बैंक में, मैंने बोला जब भी कोई मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आए, चेक नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसकी पेमेंट यानी उसको ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, उसे वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा। तो बैंक ने कहा ओके डन। अब जब आपका दोस्त उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाने गया होगा, तो जैसे ही वो 2 दिन के बाद उसे डिपॉजिट करने का अमल लाया जाएगा, तो बैंक वाला उस चेक को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा कि भाई इसकी पेमेंट जो है वो इसके ओनर ने स्टॉप कर दी है। तो अब ये पैसा उस आपके दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो उसे निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो क्रॉस चेक की खासियत ये है, इसकी अच्छी बात ये है कि इसके ट्रांसफ़र होने में, एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लियर होने में इसको 2 से 3 दिन का अमल लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पास से अगर वो चेक मिसप्लेस हो जाता है आप उसे ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये इसकी अच्छी बात है। ठीक है जी, अच्छा अब ये बताने का मकसद क्या था, ये बताने का मकसद ये था कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है वो क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। क्रॉस चेक से मुराद ये है कि आपके सवाल में कहा जाएगा कि आपने चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जो चेक क्लियर ना हो उसे हम कहते हैं अनक्लियर चेक, और क्लियर ना होने की वजह यह है कि उसे क्लियर होने में 2 से 3 दिन का अमल जो है वो लग जाता है। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जब आगे सवालात में ऐसी कोई बात आएगी कि हमने चेक तो जमा करवा दिया लेकिन सर क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि हम जो चेक जमा करवाएंगे वो क्रॉस चेक होगा और उसे क्लियर होने में 2 से 3 दिन का अमल लग जाएगा। ठीक है, तो बस ये बात यहाँ पर समझानी थी कि क्रॉस चेक और बेरर चेक में क्या डिफरेंस है, और हमारे क्वेश्चंस में, एग्जाम के क्वेश्चंस में या बुक से क्वेश्चन में जो चेक का जिक्र किया जाता है वो कौन से चेक का जिक्र किया जाता है, वो आमतौर पर क्रॉस चेक का जिक्र किया जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चेक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। अगर हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।